एक साढ़े अजे तक घाट है जी दूर नहीं, वो है कि जड़ा दलित भाईचारा है वो अजे साढ़े नाल नहीं चल। वो पिछे जो हूँ तक रिपोर्टा आ रही ने, मैं इधरों भी राजस्थान चो भी लैके आया, तो इस तरह रात जिथे जिथे भी गलबात की है, क्योंकि साढ़ा होर तो कोई कुछ न कोई गलबात का कोई इस टाइम पर साढ़े सामने कोई मसला ही नहीं है। यह है कि दलित भाईचारे के एक दिमाग के गल बैठी हुई है, वो पता नहीं की है, क्यों बिठाई गई है, किस तरह बैठी है, कि यह जिहड़ा संघर्ष है ये केवल किसानों का, मतलब जट जट तो जाट बरादरी का, जिमीदार तबके का है, इन्हां ये अपनियां जमीनां बचाउण वास्ते ये संघर्ष कर रहे, तो ये उन्हां दे ये भी दिमाग च है कि यह जमीन इन तो खो के तो यह जमीन सानू दित्तियां जाणियां, जदों कि गल ये नहीं, गल उन्हां नूं ये समझाउण वाली है कि असी तो फिर भी कोई 2 साल 10 साल 20 साल कढ जाणे, लेकिन जदों ये जमीन कारपोरेट घराणियां को चले गईयां, सरकारी मंडियां खत्म हो गईयां और FCI वर्गियां एजेंसियां खत्म हो गईयां, उन्होंने जदों अनाज की खरीदी ना की तो फिर जिहड़े सस्ते रेट दे ते अनाज कणक जिस तरह 2 रुपए किलो दिती जा रही है, जां चावल 1 रुपए किलो दिते जा रहे ने, वो मुड़के नहीं किसी नूं मिलने, जदों सरकार ने खरीदिया ही ना तो किवें मिलेगा। पर उन्होंने ये भरम भुलेखे कटन की लोड़ है, एक मिसाल है जिहड़ी कि तुसीं बड़ी ठोक वजा के दे सकते हो, दलील ना तुसीं उन्हां नाल गल कर सकते हो कि जिस तरह अज आ जिन्ने भी मोबाइल कंपनियां और रिलायंस की आ जां कोई होर है, ये जिहड़े ने इन्होंने कोई गरीबां नूं अज तक कोई फ्री कनैक्शन दिता किसी ने? जेकर वो फ्री नहीं दिता, जे एक परिवार को लोड़वंद को नहीं दिता, कि उन्होंने किते मोहल्ले दे विच जां किसे पिंड दे विच सांझी थां ते उन्होंने मन च गरीब परिवार कोई इस तरह का कोई उन्होंने सहूलत वास्ते कोई टैलीफोन एक्सचेंज कोई बनाई होवे, उन्होंने कोई उत्थे टैलीफोन लाया होवे, कोई उन्होंने सैट मुहैया कराया हो, भाई तुसी इत्थे इस टैलीफोन के राही अपने रिश्तेदार तक जां किसी की भी अपनी लोड़ अनुसार तुसी किसी ना फोन कर लो, कोई है इस तरह का? तो जे वह नहीं तो जदों उन्होंने कणक झोना दालां सब्जियां अते फल फ्रूट हर चीज़ खरीद के स्टोर कर ली, सब्जी की मिसाल तुहाडे सामने है कि उत्तराखंड तो एक माल दे विच्चों 1/2 किलो गोभी खरीदी, उहदियां खबरां तुसां वेखियां होणगियां, और वह 1/2 किलो गोभी माल दे विच्चों लई है वो 300 रुपए किलो हो गई 600 रुपए। सो जदों इन्हां लोकां ने वो सारा कुछ खरीद के अपने उन्होंने स्टोर च जमा कर लिया, कि फिर वो लोग अबानी ते अडानी वर्गे वो गरीबां नूं फ्री अनाज देंगे? फिर ये असी तो कोई माड़ा मोटा कितने ना कितने लड़दे झगड़दे 10 साल 20 साल 30 साल कर जाएंगे, तो गरीबों वास्ते तो अज तो हो जाना। फिर अगली गल जदों उन्होंने ये साडियां जमीनां ते कब्जे कर ले और वड्डे वड्डे फार्म बन गए, उस तो बाद जिथे 50-50 ट्रैक्टर ने काम करना उत्थे एक एक दो दो ही काम करनगे, और उत्थे मजदूर कौन मजदूर तो मजदूरी तो खत्म ही हो जानी, सारा काम तो मशीन ही कर। सो इस करके ये गल उन्होंने समझाने की लोड़ है, यही गल दुकानदारों शहरों के भावें जिड्डिया मर्जी वड्डी दुकाना हो, चाहे वह बजाज दी बजाजी दी ने, चाहे वो किसी
करियाने दियां ने या पंसारी दियां ने, कोई भी किसी किस्म की दुकान है उन्होंने दुकाना दे तो भी किसी ने खरीदी नहीं, खरीदारी नहीं करनी जो सब कुछ माल चले। ये गल उन्होंने भी समझाने की लड़ है, छोटिया फैक्ट्रियां खत्म, कुछ नहीं रहेगा। सो उन्होंने समझाने जी लड़ है, मेरी यही बेनती, बहुत बहुत धन्यवाद है।